मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के आंतरी थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 5 के बीजेपी पार्षद से बदसलूकी का मामला सामने आया है। बीजेपी पार्षद ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा उनसे बदसलूकी करते हुए मारपीट की गई। वहीं आंतरी थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में लाइट के अवैध रूप से कनेक्शन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट भी हुई। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस ने FIR दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। मेरे साथ लोगों ने आके हथियार से हमला किया है। क्यों किया? मैंने क्या है, बिजली विभाग की शिकायत की, जो मोहल्ले में 3 दिन से लाइट नहीं थी उसकी शिकायत मैंने JE को की, तो JE ने उसको रामेश्वर को बोल के मुझ पर हमला करवा दिया। तो किन लोगों ने किन हथियारों से आपके पर हमला किया? लाठी थी, कुल्हाड़ी थी और सरिया थे सभी, और 10-15 लोग थे। साढ़े सात बजे की घटना है, मैं घर के बाहर बुरिश कर रहा था बस। ना ऐसी घटी है सर, के वो छोटे भाई को मार रहे थे, वो लोग 10-12 लोग थे, उनके नाम है नितेश को मार रहे थे, वो पार्षद है वो हमारे वार्ड से ही। तो क्या पूरा मामला रहा, क्यों मार रहे थे? अरे कुछ नहीं, ऐसे क्या सुनी में हो गया बात, और मैं गया बचाने के लिए तो उनने मुझ में भी लठमट दे दिए और 2-3 भाइयों में, वो लोग थे 10-15 लोग, रानवास था, हाकिम था और वो कल्ली था, रामेश्वर था, कालू था, जसमंत था, विशाल था। तो उसके बाद शिकायत दर्ज हुई है थाने में? शिकायत करवा दी है सर।